अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि ऑफलाइन वीडियोस डालते हैं या फिर लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो हम लोग अपने कंटेंट पे बड़ा ध्यान रखते हैं क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं उसको अलग अलग तरह के विजुअल्स से और अलग अलग तरीके से उसकी क्वालिटी को एनहेंस करने की, इम्प्रूव करने की। चाहे वो हम लोगों ने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं कि नंबर ऑफ़ लाइक्स कैसे शो करें, या करंट सब्सक्राइबर्स आपके कितने हैं लाइव स्ट्रीम पर वो शो करना, अलग अलग तरीके से अलर्ट्स जो आते हैं, या डिस्कॉर्ड आपकी जो वॉइस चैट है वो कैसे डिस्प्ले होगी आपकी लाइव स्ट्रीम पर, तो या फिर बहुत सारे भाई लोग अलग अलग स्ट्रीमिंग पैकेजेस खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनको बढ़िया से विजुअल्स आते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में हम लोग एक चीज़ पे फोकस करना भूल जाते हैं, और वो है हमारे कंटेंट का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, उसका ऑडियो। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने माइक की परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं OBS के अलग अलग ऑडियो फिल्टर्स का इस्तेमाल करके, और आप चाहें तो इनको अपनी ऑफलाइन वीडियोस में इस्तेमाल करें, चाहे लाइव स्ट्रीम में इस्तेमाल करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको बहुत पसंद आएगा। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ज़बरदस्त, जिंदाबाद हमेशा की तरह। वेलकम टू ब्लडी हेल गेमिंग। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि आप लोग अगर विजिट करते रहते हैं और अप्रिशिएट करते हैं हमारे काम को, तो जल्दी से एक लाइक ड्रॉप कर दीजिए। अभी जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे कंटेंट, तो कंटेंट देखिए वीडियो में, जहां आपको लगे कि ये वीडियो लाइक डिजर्व करती है तो फटाफट से वो बटन दबा दीजिएगा। और जो भाई लोग ऐसे हैं जो पहले चेकआउट कर चुके हैं वीडियोस, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाल बटन होगा जल्दी से दबा दीजिए। सपोर्ट मिलता है, आप लोगों का प्यार मिलेगा और ऐसे वीडियोज़ आती रहेंगी। भाई लोग वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि ये जो फिल्टर्स हैं वो हर एक तरीके के माइक पे काम करेंगे, चाहे आपका महंगा प्रोफेशनल माइक्रोफोन हो 10-12-15 हज़ार का, या जो गेमिंग हेडसेट में माइक्स आते हैं वो माइक हो या सिंपल लैव माइक हो, सभी में ये जो फिल्टर्स हैं अच्छे से काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि ये जो आपको माइक और ऑक्स का ये जो आप देख रहे हैं ऑडियो मिक्सर में इंडिकेशन, यहाँ पे हम लोगों को सही सोर्स को चूज़ करना है जो आपका एक्चुअल माइक है। तो उसके लिए हम लोग क्लिक करेंगे सेटिंग्स जो कॉग व्हील है, और क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़ पे, और इस बॉक्स में से, इस मेन्यू में से हम लोग चूज़ कर लेंगे कि हमारा वही माइक जो हमको इस्तेमाल करना है वो यहाँ पे सेलेक्टेड है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ जो मेरे केस में माइक है, और जैसे ही आप ये सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को ऑडियो के इनपुट का इंडिकेशन मिलने लगा है, मतलब हमारा जो माइक है वो एक्टिवेट हो गया है। अब हम लोग एक बात पे यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि नॉर्मली बोलने में ये जो बार आपको इंडिकेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये मैक्सिमम ये जो येलो वाला पोर्शन है इसको ही टच करना चाहिए, ये किसी भी हाल में रेड कलर वाले पोर्शन पे नहीं पहुँचना चाहिए। अगर ये बार आपकी रेड कलर वाले पोर्शन पे पहुँच रही है तो इसका मतलब ये कि आपकी साउंड स्ट्रीम पे, आपकी वीडियो में अनक्लियर रहेगी, फटने लगेगी, तो उसके लिए हम लोगों को ये जो गेन का स्लाइडर है इसको कम करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो थोड़ा सा एक बार टेस्ट करके ट्वीक कर लेंगे इसको कि सही इसके लिए वैल्यू क्या होगी। इट डिपेंड्स ऑन कि आपका आपके माइक से दूरी कितनी है, लेकिन हमेशा ये जो इंडिकेटर है ये येलो फील्ड में रहना चाहिए, कभी रेड फील्ड में नहीं टच होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फ़िल्टर की, और सबसे पहला फ़िल्टर रहेगा नॉइस सप्रेशन। उसको हम लोग ऐड करेंगे, क्लिक करेंगे इसी सेटिंग्स कॉग व्हील पे, और फिल्टर ऑप्शन है, फिल्टर्स पे क्लिक करते हैं, और इस बॉक्स में से हम लोग ये जो प्लस वाला साइन है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन आ रहा है नॉइस सप्रेशन का। क्लिक करते हैं इसको, नाम ही रहने देते हैं, और ये है नॉइस सप्रेशन। जैसा नाम ही बता रहा है, नॉइस सप्रेशन का मतलब ये है कि ये फ़िल्टर है आसपास के नॉइस को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, उसको कम करने के लिए। अब यहाँ पे जिस नॉइस की मैं बात कर रहा हूँ वो नॉइस ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा शोर वाले एनवायरनमेंट में बैठ के शूट करते हैं या स्ट्रीम करते हैं, तो उसमें ये फ़िल्टर उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज कि ये ऐसे नॉइसेस को सप्रेस करने के लिए जो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम है मैग्नीट्यूड में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके CPU के फ़ैन की आवाज़ है, या दूर कोई हॉकर चिल्ला रहा है, या घर में कहीं दूर कूलर चल रहा है, तो ऐसी जो आवाज़ें होती हैं, जो छोटी आवाज़ें हैं, उनको सप्रेस करने के लिए ये काम करता है। और इसकी वैल्यू हम लोगों को ऐसे डिसाइड करनी है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो -30 है। आप जितने क्वाइटर एनवायरनमेंट में, जितने शांत माहौल में आप स्ट्रीम करते हैं या अपना कंटेंट बनाते हैं, उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं जिस एनवायरनमेंट में स्ट्रीम कर रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत ही क्वाइट है, एकदम शांत है, तो मैं इसकी वैल्यू बढ़ा के -20 तक भी कर सकता हूँ और ये अच्छे से काम करेगा। लेकिन आप अगर कंपैरेटिवली थोड़े से ज़्यादा नॉइजियर, ज़्यादा शोर वाले एनवायरनमेंट में, तो आप ये जो -30 वाली वैल्यू है वो -35 पे या -40 पे करके एक बार चेक कर सकते हैं, ट्वीक करें, जो वैल्यू आपके लिए सही हो उसको यूज़ करें। फिलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट बहुत अच्छी एक बेस वैल्यू है, इस पर आप लोग इस पर काम करके एक दो बार रिकॉर्ड करके ट्वीक कर सकते हैं कि आपके लिए सही वैल्यू क्या रहेगी। अगला ऑडियो फिल्टर जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है नॉइस गेट, क्लिक करके ऐड करते हैं इसको भी।
क्लिक करता हूँ मैं सेटिंग्स कॉगविल पे, फिल्टर्स, फिल्टर्स के बाद वही प्लस वाला साइन, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नॉइस गेट। क्लिक करते हैं, नाम यही रखे रहने देते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें आपको टिपिकल सी दिखाई दे रही होंगी, बहुत सारे स्लाइडर्स हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये है क्या एक्चुअली। क्लोज थ्रेशहोल्ड जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जिसमें आप जब बोलना बंद करते हैं, बीच में बोलना बोलते बोलते रुकते हैं, चाहे आप वीडियो बना रहे हो चाहे आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, तो जैसे ही जो स्ट्रीमर है वो बोलना बंद करे, माइक अब ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाए। इससे होगा ये कि जो चारों तरफ का नॉइस है वो माइक कैच नहीं करेगा। तो सबसे जो पहला जो ये फैक्टर है क्लोज थ्रेशहोल्ड, इसका ये काम है कि जैसे ही आप बोलना बंद करें माइक ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाए। दूसरा है ओपन थ्रेशहोल्ड, ये इसका ठीक उल्टा है, जैसे ही आप बोलना शुरू करें माइक डिटेक्ट कर ले, ये जो फिल्टर है डिटेक्ट कर ले कि स्ट्रीमर ने बोलना शुरू कर दिया है, माइक दोबारा से एक्टिवेट हो। और इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादातर इस बात पर डिपेंड करती हैं कि आप कैसे एनवायरनमेंट में स्ट्रीम करते हैं या अपना वीडियो बनाते हैं। नॉर्मली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, जस्ट बिकॉज कि मैं बहुत ही एकदम शांत एनवायरनमेंट में स्ट्रीम करता हूँ, या फिर ऐसा होता है कि वीडियोज़ बनती हैं मोस्टली। तो आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, दो चार बार टेस्ट करिए इसको, देखिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए फिक्स सही रहेगी। और आपको ध्यान बस ये देना है, जो मेजर चीज़ है ध्यान देने वाली है, कि जैसे जैसे आप बोलते रुकें, ये जो आप पीछे माइक ऑक्स वाली जो बार देख रहे हैं, यहाँ पर इंडिकेशन बार जो है, ये जैसे ही आप बोलना बंद करें ये अपने आप से डाउन हो जानी चाहिए, एकदम डेड हो जानी चाहिए, और जैसे ही दोबारा बोलना शुरू करें फटाक से दोबारा से एक्टिव हो जानी चाहिए। तो थोड़ा सा इन वैल्यूज़ के साथ आगे पीछे करके थोड़ा सा खेलें, प्ले करें, और जो आपके लिए बेस्ट है वो चूज़ कर लें, जस्ट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन दी एटमोसफियर, ऑन द एनवायरमेंट इन विच यू स्ट्रीम और यू क्रिएट योर कॉन्टेंट। नीचे है अटैक टाइम। अटैक टाइम का मतलब ये है कि वो टाइम जिस टाइम में ये जो फिल्टर है ये किक इन करेगा, जैसे ही ये डिटेक्ट करेगा कि स्ट्रीमर ने बोलना बंद कर दिया है तो फटाफट से माइक म्यूट हो जाएगा, और जैसे ही ये पता लगेगा उसको कि उसने बोलना शुरू कर दिया है तो फटाफट से वो माइक एक्टिवेट करेगा। तो अटैक टाइम है इस पर्टिकुलर फिल्टर के एक्टिव होने का टाइम। तो ये तीन वैल्यूज़, मेरी एडवाइस ये है कि इनसे छेड़छाड़ ना करें, ये ऐसे ही ठीक रहने दें, अपने आप में परफेक्ट वैल्यूज़ हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ अगर आप चाहें तो इनके साथ खेल सकते हैं। होल्ड टाइम है आपके बोल चुकने के कितनी देर बाद तक माइक एक्टिव रहेगा। जैसे ही मैंने अपनी एक स्पीच ख़त्म की, एक सेंटेंस ख़त्म किया, थोड़ी देर तक माइक एक्टिव रहेगा, वो रहेगा 200 मिली सेकेंड, और उसके बाद धीरे धीरे ये फेड अवे होगा। रिलीज़ टाइम होता है कि 200 मिली सेकेंड रुकने के बाद धीरे धीरे कितने टाइम बाद माइक पूरी तरीके से म्यूट हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ये एकदम से म्यूट इस वजह से नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एकदम से रोबोटिक लगेगा, अननेचुरल लगेगा, जो साउंड है वो धीरे धीरे ही फेड होती है, एकदम से ख़त्म नहीं होती है। तो इस वजह से ये ज़रूरी है। अगर होल्ड टाइम से आप छेड़छाड़ करेंगे, मान लीजिए आप इसको कम कर देते हैं कि जैसे ही मैं बोलना बंद करूं एकदम से बिल्कुल भी ना रुके और एकदम से म्यूट होना शुरू हो जाए, तो इसमें बीच बीच में अगर आप कुछ चीज़ धीरे से बोलते हैं जो उतनी लाउडली नहीं बोलते हैं तो आवाज़ कट जाएगी वहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ मिसिंग लगेगी, चैट उल्टा सीधा आने लगेगा कि क्या हो रहा है। तो ये वैल्यूज़ मेरी एडवाइस ये है कि चेंज ना करें, इनको ऐसे ही रहने दें, और चलते हैं अपने अगले फ़िल्टर की तरफ। और अगला फ़िल्टर है, फटाफट से चेकआउट करते हैं, इट इज़ कंप्रेसर। क्लिक करके ऐड करते हैं कंप्रेसर को, और जैसा कि नाम ही बता रहा है कंप्रेसर का मतलब ये है कि वो आपकी आवाज़ को कंप्रेस करेगा, दबाएगा। ये बहुत ही एक यूनिक और बहुत यूज़फुल फिल्टर है, ख़ासतौर से लाइव स्ट्रीमर्स के लिए। स्ट्रीम करते करते कोई ऐसा है, कोई ऐसा मोमेंट आ गया है कि आप बहुत खुश हैं, मैच जीत गए हैं, कोई चिकन डिनर ले लिए हैं, या फिर रेज है, कोई गुस्सा आ रहा है, तो उसमें हम लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से कई बार रिएक्शन में चिल्लाने लगते हैं और आवाज़ एकदम से ऊपर पहुंच जाती है, बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती है। कंप्रेसर का उस टाइम पे काम ये होता है कि उस आवाज़ को लिमिट में रखना, जिससे कि ओवरऑल जो ऑडियो क्वालिटी है आपकी स्ट्रीम की वो बैलेंस रहे, आवाज़ फटे नहीं, अनक्लियर ना हो। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला फैक्टर देखिए रेशो, और रेशो में ये होता है कि अगर मैं इस रेशो को मान लीजिए 2 रख लेता हूँ या 4 रख लेता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं चिल्लाना शुरू करूँगा और ये फिल्टर जो है डिटेक्ट करेगा कि स्ट्रीमर जो है वो या तो ज़ोर से चिल्ला रहा है, या तो रेज में या फिर खुशी में, तो ये आपकी आवाज़ की लाउडनेस जो है वो 1/4 कर देगा, उसको कंप्रेस कर देगा। इसको अगर मैं 2 रख लेता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी आवाज़ है वो कंप्रेस होके लाउडनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हाफ़ हो जाएगी। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी कि आप कितना ज़्यादा, कितना तेज़, कितना लाउड रिएक्शन देते हैं। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो देखें आपके लिए कैसा ही रहेगा, ये वैल्यू डिसाइड करेंगे। थ्रेशहोल्ड है लाउडनेस,
कितनी लाउडनेस हो जाए आवाज़ की, उसके बाद ये फ़िल्टर किक इन हो, उसके बाद ये फ़िल्टर काम करना शुरू करे। तो ये इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी ज़ोर से या तो धीरे से चिल्लाएंगे तो किक इन होगा, या ज़ोर से चिल्लाएं तो किक इन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए, अगर मेरे हिसाब से समझे तो ये 25 dB के आसपास मेरे हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेंज वगैरह मेरे को नहीं होती है। लेकिन आप लोग अपना देख सकते हैं, वैल्यूज़ जो है अपने हिसाब से सेट करिए। अटैक टाइम बिल्कुल वही है, अटैक बिल्कुल पिछले वाले फ़िल्टर की तरह ही है। कितनी जल्दी ये फ़िल्टर एक्टिव होगा, 6 सेकंड अपने आप पे बहुत बेहतरीन टाइम है। जैसे ही वो डिटेक्ट करेगा कि नॉइस आ रहा है, आपने रिएक्शन देना शुरू किया है, फटाफट से फ़िल्टर किक इन होगा, रिलीज़ होगा। कि जैसे ही ये फ़िल्टर डिटेक्ट करेगा कि नॉइज़ जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, वॉइस नॉर्मल हो रही है, आपका रिएक्शन जो है धीरे धीरे एंड पे है, तो कैसे जो आपकी वॉइस है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, कंप्रेसर धीरे धीरे हट जाएगा। आउटपुट गेन की बात हम लोग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगला फ़िल्टर जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं अपने आप में गेन ही है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो रहने देते हैं और ऐड करते हैं अगला फ़िल्टर। तो फाइनली जो ऑडियो फ़िल्टर हम लोग ऐड करने वाले हैं यहाँ पे वो होगा गेन। क्लिक करते हैं उसी सेटिंग्स कॉग पे, जाते हैं फ़िल्टर्स पे और प्लस वाला साइन प्रेस करके हम लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा गेन। क्लिक करते हैं ओके, और ये गेन है। तो गेन को नॉर्मली आप एकदम से बिल्कुल सीधे सपाट तरीके से समझिए कि ये आपके माइक का वॉल्यूम है। बहुत सारे भाई लोग हमारे ऐसे हैं जो गेमिंग हेडसेट वाला माइक इस्तेमाल करते हैं, जो काफ़ी पास होता है हमारे मुंह के, तो उसमें बहुत ज़्यादा लाउडनेस की ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मली ठीक सी आवाज़ आती है उसमें, जस्ट बिकॉज़ कि वो बहुत पास है। लेकिन कुछ भाई लोग हमारे ऐसे हैं जो क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लैव माइक का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे मुंह से एक्चुअली काफ़ी दूर होता है। तो उस केस में अगर आप ये फील कर रहे हैं कि आपकी लाइव स्ट्रीम में या आपकी वीडियोस में जो आपकी अपनी आवाज़ है वो काफ़ी कम आ रही है, उसके वॉल्यूम को पंप अप करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम लोग गेन बढ़ा सकते हैं। दो चार बार इन गेन की वैल्यूज़ को बढ़ा के देखिए, 5 dB करके या प्लस 10 dB करके, 8 dB करके, कि आपके लिए कौन सी वैल्यू बेस्ट है। नॉर्मली जिस हिसाब से आप बात करते हैं, नॉर्मली जितना माइक आपका दूर रहता है आपसे, और उसके हिसाब से वैल्यू डिसाइड कर लीजिए, सेट कर लीजिए इसको। एंड वंस यू आर ऑल सेट, यू जस्ट क्लिक क्लोज, और आपके सारे के सारे फ़िल्टर्स जो हैं वो कम्प्लीटली कन्फिगर हो गए हैं। एक बात मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा दूं कि जो हम लोग बात कर रहे थे कंप्रेसर फ़िल्टर की, हम लोगों ने जो बात करी थी, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। आप कितनी एग्नी में और कितने जोश में आप लोग रिएक्शन देते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम में किसी भी चीज़ पे, किसी भी पॉइंट पे, उसी बात पे वो सारी वैल्यूज़ उस पर्टिकुलर जो फ़िल्टर है उसकी डिपेंड करती है। तो इट विल टेक 3, 4, 5, 10 ट्रायल भी लग सकते हैं आपको एक परफेक्ट वैल्यू पे पहुंचने के लिए, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर पर्सनैलिटी, और उसके लिए कोई पर्टिकुलर फिगर्स नहीं है जो मैं आपको दे दूँ और आप कहें कि वो परफेक्ट है। तो खेलिए उनसे, सभी से, सभी के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करिए, एंड यू विल रीच द बेस्ट ऑडियो यू कैन गिव टू योर ऑडियंस वाया स्ट्रीम और वाया वीडियो। तो भाई लोग, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और वो घंटा आपको ज़रूर बजा देना है, क्योंकि आपको पता है कि सारा चमत्कार उसी से होगा। जब भी एक नई वीडियो आएगी वो घंटा बजेगा और आप लोगों को पता लग जाएगा कि वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।